The next speaker is Jamshed Cheema Saab, who's our expert on agriculture. So please. Bismillah Rahman Rahim. Chairman sir. सर ये मैं जो आज बात करने लगा हूँ ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है बैड गवर्नेंस की. सो यहाँ पे दो एक्सट्रीम है, एक बैड गवर्नेंस और एक गुड गवर्नेंस. और दोनों को जब डिफरेंस देखते हैं तो नॉर्मली हम जो पहले बैड गवर्नेंस को कोसते थे उससे और बाद कन्फ्यूजन होती थी कि शायद ये ठीक है या नहीं ठीक, या इतना लाउड या इतना हार्श बोलना ठीक है या नहीं ठीक. लेकिन जब इसको देखते हैं तो बिल्कुल ठीक लगता है. सर इसमें पहली बात तो लॉस, सर लॉस ये हुआ है, ये सिर्फ फसल का लॉस है, इसमें इसका लॉस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का या हाउसेस का नहीं है. ये तकरीबन 1000 बिलियन का लॉस है, 1075 बिलियन का, और इसमें 1042 बिलियन का. इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है 427 बिलियन का फसल का, वो सिंध का हुआ है जी. 427 का सिंध का, 196 का पंजाब में, और बलूचिस्तान के 83 KP. फसल का लॉस बड़ा थोड़ा है, 21 जी. अच्छा नेक्स्ट सर, दूसरी चीज़ इशू जो है कई साल से आ रहा है कि हम अप्रीशिएट, सर मुआशरे में रवैये वो पनपते हैं जो अप्रीशिएट होते हैं. कई साल से हम बूट पहन रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मतलब आते हैं, फोटोशूट करते हैं. इसको कभी सोसाइटी ने कंडेम नहीं किया, सोसाइटी को इसको कंडेम करना पड़ेगा. जब तक सोसाइटी ये बूट पहनने को, राशन को, मेडिसिन को, हेलीकॉप्टर को कंडेम नहीं करेगी, ये चलती रहेगी. सो यहाँ पे जो करने वाले काम है चार हैं सर, डैम, ड्रेन. डैम का जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पाई जाती है, ड्रेन का नहीं लोगों को पता. और ड्रेन की सर इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, विद लेस देन $100 मिलियन यू कैन सेव द होल सिंध. जहाँ पे लॉस हुआ है एक्सपोर्ट का $12 बिलियन का, $12 बिलियन का जो लॉस हुआ है, यू कैन सेव इट विद लेस देन $100 मिलियन. ठीक है, चार ड्रेन थे सर यहाँ पे, यहाँ पे रवायती तौर पर चार ड्रेन थे, तीन बंद हो गए, एक चल रहा है. उसकी कैपेसिटी है 250 mm बारिश 5 दिनों में, 15 दिनों में वो ड्रेन आउट करता है. चाहिए ये कि 500 mm की बारिश हो और 15 दिनों में ड्रेन आउट कर दे. आपकी यहाँ पे 4 मिलियन बेल्स सर्वाइव करती हैं, 4 मिलियन बेल्स. सिंध की सर पैदावार 30 मन होती है, और हम टारगेट लेते हैं पंजाब की 21 मन होती है. पंजाब से 9 मन सिंध की पैदावार ज़्यादा है, मीरपुर डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन की, और सखर डिवीजन की भी. सर अगली जो बात है इसमें कि मस्ट बी कंडेम जो है वो है कि ये जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड जो होना चाहिए सर, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का $26 बिलियन का इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकानमी में, $26 बिलियन का, 9.6% ऑफ योर GDP. सो कभी इस पर नहीं लोगों ने सोचा, डैम का सोचते हैं, ड्रेन का कभी नहीं सोचा किसी ने. और दूसरी बात सर क्लाइमेट चेंज, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सोचा, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट था. सर दूसरी बात, ये क्लाइमेट चेंज में ड्राउट और फ्लड, इसका साइकिल बड़ा फास्ट हो गया है. पहले इसका साइकिल ज़्यादा वक्फे से आता था, अब इसका साइकिल ज़्यादा फास्ट हो गया है. अब जो साइकिल ज़्यादा फास्ट हो गया तो मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, ये क्लाइमेट चेंज पे. नेक्स्ट सर, सर केस स्टडी है थोड़ी सी, ये केस स्टडी थोड़ी देखें तो बड़ी हैरानगी होगी. सर काटन जो है ना रहीमयारहान में, रहीमयारहान में जो बारिश हुई है वो और गोटकी जो बारिश हुई है बराबर है. मैंने मई जून के जो 60 डेज़ की बारिश लेके आया हूँ, आगे आती है, ये ऑलमोस्ट बराबर है. बराबर बारिश में वहाँ लॉस हुआ है 12%, सखर में लॉस हुआ है 90%, 12 और 90. सर दूसरी इसमें अगली अगर बात देखें, राइस गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, यहाँ की बारिश और आपकी बदीन की बारिश और यू कैन से लाड़काना और जैकबाबाद की बारिश, ये बराबर बारिश है. इस वक्त 1 मिलियन एकड़ अंडर वाटर है सिंध में, और पंजाब में सारी राइस 100% ठीक है, 100% ठीक है. दरिया के अलावा 1 एकड़ नहीं मरा, दरिया के अंदर जो है उसके अलावा बाहर जितनी है सारे डिस्ट्रिक 28 लाख एकड़ सर सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन में है राइस, वो सारी ठीक है. 28 लाख एकड़ पूरे सिंध में है, तकरीबन यू कैन से इट्स अराउंड 19 लाख एकड़, 19 लाख एकड़ में से 11 लाख अंडर वाटर है. सर इसमें अगली बात जो है, और फिर हम ये देखते हैं सर इसमें राजनपुर में जो लॉस हुआ है, सर राजनपुर में वो लॉस हुआ है जो काम हमने डेरा इस्माइल खान में आपने किया था, वो हम राजनपुर में नहीं कर सके, वो हम तौसा में नहीं कर सके. अगर आपने डेरा इस्माइल हमें गोमल जाम का 1.1 मिलियन एकड़ फिट का डैम ना कंप्लीट होता तो
आज वहाँ शायद डेरा इस्माइल हाँ भी ना होता। और जो दो नए डैम का आपने गोमल जाम का और हैदर जाम का, टांग जाम का और हैदर जाम का पूरा किया था, पांच दरिया वहाँ बनते हैं, इसी तरह के 8 से 10 डैम आपको बनाने पड़ेंगे डेरा इस्माइल क्या नाम है राजनपुर में भी और डीजीहान में भी। और ये 27 मिलियन एकड़ फट पानी है, पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा इंडस वाटर के बाहर कोई बात नहीं करता। ये 27 मिलियन एकड़ फट पानी है जिससे 22 लाख एकड़ आबाद हो सकता है और सारी की सारी तबाही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें ड्रेन डैन डैम और तीसरा जो आप कह लें कि यू कैन से दिस क्लाइमेट चेंज, इस तीनों पर जाना चाहिए। सर इसी केस स्टडी की अगली जो बात कर रहा हूँ मैं कि हमने तो नेचर के बनाए हुए असूलों को भी छोड़ दिया। सर तीन जो ड्रेन निकलती थी, एक निकलती थी क्या नाम है इसमें कश्मोर से और दूसरी इसमें डेराजमाली से, ये मिल के जाके से कहते राइट बैंक आउटफिल ड्रेन। आउटफिल ड्रेन जो थी राइट बैंक, ये दरियाए सिंध के राइट साइड पर जाती है, इसने सारा पानी लेके जाना होता है यहाँ पे। इस ड्रेन पे आके कब्जे हो गए, ड्रेन 100% बंद हो गई। 2010 में जब सैलाब आया था तो जब इन्होंने देखा कि सखर बैराज पूरा पानी नहीं गुजार सकता तो पीछे से तोड़ा गया पानी तोड़ा गया, तो ये सारे का सारा इलाका जो ये था डिवीजन लाड़काना और ये वो सारा, ये को 10 डिस्ट्रिक्ट डूब गए बलोचिस्तान के और पंजाब के इसके सिंध के। अब इस साल जो बारिशों का पानी आया है वो ड्रेन बंद होने की वजह से वो ये सारे के सारे डूब गए, ये दोनों डिवीजन डूब गए, राइस के दोनों डिवीजन डूब गए। कि वो एक ड्रेन पे आपने, वो नेचुरल थी, इसका पानी जाता था मंचर झील में, मंचर झील से फिर आगे समुद्र में जाता था। वो रास्ते में नॉर्मली आपको पता है जहाँ वाटर फ्रंट का जिक्र होता है कि जहाँ कहीं पानी होता है उसके ऊपर आबादी होती है, पानी जहाँ आबादी थी उसने थोड़ा आगे बढ़ा के ड्रेन के अंदर वो परती डाली और मकान बना लिए, लिहाजा नेचुरल ड्रेन बंद हो गई। फिर ये जो लेफ्ट बैंक है सर, लेफ्ट बैंक हमने कभी नहीं सोचा, ये हमें वर्ल्ड बैंक ने 87 में दिया, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई उन्होंने बंद कर दिया, फिर उनको गए तो उनके बाद दोबारा बना, ये 97 में कंप्लीट हुआ। इस वक्त अगर एक महीने में अगले में पानी निकलना है तो लेफ्ट बैंक से निकलना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी थोड़ी है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये को अराउंड $80 मिलियन की बनी थी, मैं समझता हूँ इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो आपका सारे का सारा इलाका ये ठीक हो जाएगा जी। सो मैं समझता हूँ यहाँ चूँकि वज़ीर ख़ज़ाना भी बैठे हैं दोनों सूबाई भी और दूसरे भी वज़ीर आज़म भी साबिक बैठे हैं प्लानिंग वाले भी, सर डैम का जिक्र होता है, ड्रेन का जिक्र जो है ड्रेन के बड़े थोड़े पैसों से आप, और आपका सर कभी भी आपका जो लॉस है ये दरिया के अंदर नहीं होता, दरिया के अंदर हमेशा टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट होती है, छोटी फसलें होती है, हाई वैल्यू क्रॉप नहीं होती, और दरिया हमेशा 99% केसेज में बंद के अंदर रहता है। मैक्सिमम लॉस आपके एस्टेब्लिश एरिया में होता है और बारिश का होता है, और उस बारिश को जब ड्रेन नहीं कर सकते तो उसका लॉस ज़्यादा होता है हमेशा। आप कोई भी केस स्टडी कर ले किसी भी फ्लड की, मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका एस्टेब्लिश एरिया में इरिगेटेड एरिया में होता है। सो यहाँ भी आपको जो लॉस नज़र कम आ रहा है केपी का, उसकी वजह यह कि यहाँ दरिया का लॉस है सिर्फ, दूसरा ड्रेन का लॉस नहीं है। पंजाब में जो लॉस आपको नहीं नज़र आ रहा वो यह है कि पंजाब के सारे ड्रेन जो फंक्शनल थे, सियालकोट के सारे 5 नाले 6 नाले आपने पढ़े हैं बचपन में, मैंने भी पढ़े हैं, आपने लाहौर के पढ़े हैं, गुजरांवाले के सारे नाले फंक्शनल थे, ठीक है, रहीमयारा के सारे नाले यहाँ बैठे हुए महदूम सब बताएंगे वो फंक्शनल थे, लिहाजा बच गया वो। सर बारिश के हवाले से नेक्स्ट सर, ये बारिश बदीन में 642 mm, सियालकोट में 620 mm, जैकबाबाद में 781 और आपके पास गुजरात में 765। ये बारिश, ये जो वहाँ बैठ के टीवी पे बैठ के बैठते हैं और एक आता है एंकर आता है हमें बताता है कि सर वो वहाँ अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो गई 700 टाइम, मैंने कहा 700 टाइम नहीं 7 गुना कह लें, 700 टाइम्स नहीं है, 700% जो 7 गुना होती है, 700 टाइम नहीं होती। तो इस वो स्टोरी इससे बनाते हैं कि जनाब वो बड़ा नुकसान, असल में ये मैनेजेबल नहीं था। सर ये सूरत हाल है, सखर में 550 और उसके सामने रहीमयारा में 416, सेम बारिश है, रहीमयारा बच गया सखर डूब गया, सेम बारिश है सियालकोट को गुजरात को गुजरांवाला को झेलम को कुछ नहीं हुआ, इस्लामाबाद और झेलम में जो बारिश है उतनी ही बारिश कराची में हुई है, कराची डूब गया झेलम बच गया। सर नेक्स्ट सर आफ्टर इफेक्ट क्या है, सर बड़ी देर से मैं कह रहा था कि ये आप कह लें कि GDP इस साल माइनस जाएगा, वो मैं समझता हूँ कि अब कन्फर्म हो रहा है कि GDP माइनस जाएगा, आपकी 4 मिलियन बेल कम से कम होगी, 4 मिलियन बेल का मतलब तकरीबन $12 अरब की एक्सपोर्ट बनती है जी। पावर्टी नंबर बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है सर ये एक ऐसा इशू है जो शिरानी साहब ने बात की है, ये जितना इस वक्त और फूड जो फूड इन्फ्लेशन से रिलेट किया है, ये एक ऐसा इशू है जिसको बड़ा मैं समझता हूँ हमें आपको आप बड़े बिजी हैं लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, इस पर बैठ कर काम करने की जरूरत है।
दो सूबों में हमारी हुकूमत है, फूड प्राइम रिस्पांसिबिलिटी हमारी, मैं समझता हूँ हमें कुछ ना कोई काम इस पर करना पड़ेगा और बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, रूटीन से काम इस पर नहीं होगा जी। अर्बन माइग्रेशन सर बहुत ज़्यादा, सर इस वक्त जो दो आप कह लें तीन डिवीजन जो हैं, इनमें देहातों में सारों में 4 फुट 3 फुट 5 फुट पानी खड़ा है, सांगड़ में सारे में पानी खड़ा है, आप कह लें कि मीरपुर में खड़ा है, उमरकोट में पानी खड़ा है, हैदराबाद में पानी खड़ा है, वहाँ के देहातों के लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों को, अब ना उनके पास रोज़गार है ना उनके पास स्किल है, वो जब शहर चले जाएंगे तो शहर गया हुआ बंदा वापस नहीं आता। सो मुझे समझ आ रही है कि वहाँ एक नए शैंटी टाउन का एक पूरा सैलाब आ रहा है, बेरोज़गारी का एक नया सैलाब आ रहा है और लोग ज़रात से निकल के जहाँ पर उनका काम था, जहाँ उनकी स्किल थी, उससे निकल के बाहर जा रहे हैं। सो इट विल बी अनदर हैविक। दूसरा अच्छा अर्बन माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड इन्फ्लेशन जी। नेक्स्ट सर, काटन 4 मिलियन बेल, राइस 2 मिलियन बेल, इससे एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी। बेटा एक मिनट पीछे, अच्छा सीवियर शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, वो आपके सामने टमाटर का रेट आ रहा है, आपके पास दूसरा आ रहा है। लाइफ स्टॉक नंबर जो है ये तकरीबन सर 7 लाख बता रहे हैं, लेकिन 15 लाख के लगभग लाइफ स्टॉक नंबर गया है और कोई 300 के लगभग फूड सिक्योरिटी इशू बन रहा है। सर इसमें ये हो रहा है कि चाइना के साल यू कैन से 9 मिलियन टन चाइना गंदम इम्पोर्ट कर रहा है और गंदम हिस्टोरिकली 70 डेज का स्टॉक रह गया वर्ल्ड वाइड। मॉइस्चर कम है, चाइना में भी कम है और हीट वेव की वजह से, और क्या नाम है यूरोप में भी कम है, लिहाजा ये एक दोबारा फूड प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ रही है जी। ये नेक्स्ट सर वे फॉरवर्ड ये है कि इस मुल्क में बड़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, गरीब को बताया जाता है अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी ने इस मुल्क के गरीबों का बड़ा नुकसान किया, जब भी उसका नुकसान होता है उसका कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी। दूसरा क्या कहते हैं जी, अल्लाह की मर्ज़ी और गुनाहों की सज़ा, माशाल्लाह ये भी मतलब माशाल्लाह हम उन्हें कहते हैं कि गुनाहों की, हमारे अपने गुनाहों की सज़ा है। फिर तीसरी आजकल आ रही है सियासत ना करें। सर जब भी कोई इशू आता है उस वक्त लोग, पीपल आर मोर प्रोन टू लिसन, उस वक्त मैं समझ ऑडिट, हमें हिस्ट्री की बात करनी चाहिए, हिस्ट्री को ठीक होना चाहिए और ऑडिट होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। क्यों मतलब ये बात आज भी लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान के 99.999% लोगों को नहीं पता कि ड्रेन ना होने की वजह से हुआ है, इसकी बात होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये आएंगे 4 फोटो खिंचाएंगे, कुछ पैसे देंगे, पैसे दे के दोबारा करने के लिए चले जाएंगे। सर नेक्स्ट जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ज़रात का, सर ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि $1 जो खर्च करते हैं 4 गुना ज़्यादा गुरबत का खात्मा करता है। सो मैं समझता हूँ पॉवर्टी जिस तरह बढ़ रही है, ज़रात के लिए स्पेशली आपको फोकस करना पड़ेगा और दूसरा अर्बन माइग्रेशन जो है इसको रोकना और अनएम्प्लॉयमेंट रोकना ये बड़ा ज़रूरी हो गया। दूसरा सर, हुकूमत आपकी आ जानी है, नो बॉडी कैन स्टॉप इट। सबसे ख़तरनाक चूरन था गद्दारी का, सबसे ख़तरनाक चूरन था मुल्क दुश्मनी का, सबसे ख़तरनाक चूरन था वो बेच लिया लोगों ने, बहुत बेच लिया सर, किसी ने एक कतरा भी इनको लिफ्ट नहीं कराई, इतना बेचा कि हम टीवी पे जाने से पहले जाते ही उन्हें कह देते कि हमें गद्दारी का लफ्ज़ ना कहना, हम नहीं डरते गद्दारी से, कहना पड़ता था तब मुंह बंद होता था, हम बार बार कहना कि शर्ट शुगर मौत आप। सो सर अब कोई बंदा रोक नहीं सकता, आप तैयारी करें। पीएम जो कि 15 प्रायोरिटी एरियाज थे, जितना मैं गौर करता हूँ सर, कन्फ्यूशियस कहता है जब फिलासफर हुक्मरान होते हैं तो शहर चैन की नींद सोते हैं, जब फिलासफर हुक्मरान होते हैं तो शहर चैन की नींद सोते हैं। आपने इस मुल्क में वो काम किए हैं, मिथ को ब्रेक किया है, मिथ सर यहाँ का दुनिया का सारा निज़ाम सारे कवानीन पैगंबरों के हैं और उसके बाद फिलासफर्स के हैं, और फिलासफर जो है वो आपने सारा काम फिलासफर किया है, फिलासफर मिथ ब्रेक करता है। ये जो बंदे ने मिथ बयान करना ये कोई काम नहीं है, ये तो मतलब चरम जबान बोलते हैं, बैठकों में बैठ के बेसिकली मिथ ब्रेक आपने किया है कि यहाँ कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद कहा गया तालीम सेहत। यहाँ पे पहली ज़रूरत साफ हवा है, क्लाइमेट चेंज वो इमरान खान ने लाया, दूसरी ज़रूरत साफ हवा है, साफ पानी है, मीठा साफ पानी उसको स्टोर करना वो आपने शुरू किया, और तीसरी बात सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ये भी आप लेके आए। तो मैं समझता हूँ जो 15 एरियाज थे उन्हीं को ज़्यादा कमिटमेंट से लेके हमें चलना पड़ेगा, आज ही हम उनको कैसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूटर साहब प्लान कर लें, इंशाल्लाह नो इशू कि हम यू कैन से के। हाँ सर लास्ट बात, हाँ अगली सर ये
ये सर मैं पिछली जो आपका सेमिनार था उसमें ये प्रेजेंटेशन थी मेरी, एक सेमिनार एक, एक स्लाइड अपना श्री मैन ये पिछली में रह गई थी। ये है सर, इसका सोर्स है FAO है, USDA है और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। ये सर्वे क्या कह रहा है कि दुनिया में वीट की जो पैदावार बड़ी दो साल में वो बड़ी 0.29% और हमारी बड़ी 4.55%, कॉर्न 5.3 और 18.90, राइस 1.19 और 10.69, ऑयल सीड 6.4 और 21%, शुगर 2.28, पोटैटो 3.35, पल्सेस 5.28, वेजिटेबल 2.31, कॉटन 1.2 और 18। सर वे फॉरवर्ड क्या है, हमने वही करना है जहाँ से छोड़ के गए थे, हम वही करेंगे जहाँ से छोड़ के गए थे। जो मैंने सर एक बात आखिरी करना करता हूँ, मैं जब मैंने देखा कि इकनॉमिक आपकी परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो कुछ लोग साफी ऐसे थे जो जो आप कह रहे हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने 4-5 को विज़िट किया, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने मुझे सुना नहीं। मैंने उन्हें कहा आप सवाल करें, उन्होंने सवाल नहीं किया। जब एक ही ट्रेंड सामने आया तो मुझे समझ लग गई कि इनको कहा क्या गया है कि जी इमरान खान बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, ताकि कभी खुदा नखास्ता को इस तरह करना पड़े तो आसानी से कर लें। सर मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी, ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी परफॉर्मेंस है। इस कौम को इस बात पर फख्र करना चाहिए और हम कोई नया काम नहीं करेंगे, जहाँ से छोड़ के गए थे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जमशेद।